माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता, और सच पूछिए तो मैं कोई लेखक भी नहीं। लिखने की जो थोड़ी बहुत आदत है वो सिर्फ डायरी तक, और जिसे आप मेरी कहानी या नॉवल समझ रहे हैं वो मेरी डायरी के ही कुछ पन्ने हैं। अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है या कल्पना की रचना महसूस हुआ है तो वो कमजोरी मेरे लिखने में, वो नाकामयाबी मेरी है। आनंद को दोस्तों का शौक था, लगता था हर वक्त हर जगह उसे किसी दोस्त की तलाश है, और इसीलिए मैंने ये किताब छपवाई कि 2, 4, 10 की गिनती से निकलकर उसकी दोस्ती में सारी दुनिया से करा दूं। जिन दिनों मैं आनंद से मिला मेरी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, मैं डॉक्टरी पेशे से बहुत निराश हो चुका था। हर तरह के दुख, बीमारी, गरीबी देख देख कर मेरे सारे हौसले टूट चुके थे, मैं बेबस हो चुका था। मैं रोग से लड़ सकता था लेकिन भूख और गरीबी से कैसे लड़ता। जिस जंग के लिए मैं मैदान में उतरा था उस जंग के हथियार मेरे पास नहीं थे। मैंने देखा सैकड़ों हजारों लोगों में विटामिन की कमी है, लेकिन जिनके पास खाने को कुछ नहीं उन्हें विटामिन देने से फायदा? दवाओं से रोग छूट सकते हैं लेकिन गरीबी तो नहीं। इतने सालों की आजादी के बाद भी मैंने देखा लोगों के पास नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं, मैं उन्हें दवाएं खरीदने के लिए कैसे कहूं? डॉक्टर साहब, मेरे बस के बाहर। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, क्या मैं भगवान हूं? भगवान से प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी को बेटा हुआ, मेरा पोता। हाँ, एक मरा नहीं और दूसरा मरने के लिए पैदा हो गया। मानता हूं कि जिंदगी की ताकत मौत से ज्यादा बड़ी है, लेकिन यह जिंदगी क्या मौत से बदतर नहीं? कॉलेज से डिग्री लेते हुए जिंदगी को बचाने की कसम खाई थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कदम कदम पर मौत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं।